बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा। जल्दी पाकिस्तान के चार टुकड़े होंगे और पाक अधिकृत कश्मीर का भी भारत में विलय होगा, पंजाब सिंध प्रांत का भी भारत में विलय होगा और बलूचिस्तान का भी हिंदुस्तान में विलय होगा और भारत महाशक्ति बनेगा। ये आने वाले समय की पुकार है और ऐसा होने वाला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये मेरा वी लॉग इंडियन टेररिज्म के ऊपर है। इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक पोजीशन में है, जिसकी बिना पे मुझे हकीकत है बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि आज मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया कि इंडियन रॉ, जिसने रिसेंटली मोदी सरकार से मुलाकात की और मुख्तलिफ प्लान तश्कील दिए गए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से करके वो इस चीज़ की इस अपॉर्चुनिटी का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। उन्होंने कुछ प्लान बनाया था कि कश्मीर के अंदर कुछ करेंगे, लेकिन जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑलरेडी उनको वॉच कर रही है, तो उन्होंने इससे बेहतर ये समझा कि पाकिस्तान ऑलरेडी क्योंकि पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन के अंदर है, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए इंडिया वालों ने हमारे पाकिस्तान के लोकल कुछ पॉलिटिकल क्रिमिनल्स जो हैं उनको और जो टीटीपी है इनको उन्होंने बकायदा मीटिंग के लिए एक दुबई के अंदर एक मीटिंग की है और वहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई टेररिज्म की जाए, उसमें बम ब्लास्ट भी हो सकते हैं, उसमें फायरिंग भी हो और लोगों में अफरा तफरी फैलाई जाए और इस दौरान कुछ पॉलिटिकल मर्डर भी किए जाए ताकि पाकिस्तान में मजीद अनरेस्ट पैदा हो और पाकिस्तान को टुकड़े करने में आसानी हो। मैं पाकिस्तान के लोगों को ये खबरदार कर रहा हूँ कि काइंडली आप अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपनी गली के अंदर ये देखिएगा कि कोई नए लोग आए हों जो किराए पे मकान ले रहे हों, जब सेटल होना चाहते हों, या मस्जिदों के अंदर आके ठहरे हैं या किसी ऐसी जगह पे ठहरे हैं, यानी कि जो बिल्कुल नए लोग हैं आपके अपने इलाके में। मैं तमाम पाकिस्तानियों से, आपका किसी भी पार्टी से तल्लक है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, चाहे आप मुस्लिम लीग से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं या पीटीआई से, किसी से भी हैं मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं, आप जरूर सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपनी हफाजत के लिए, इस पाकिस्तान की हफाजत के लिए आपको इकट्ठे होना होगा। मेरी आपसे हम्बर रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चीज से आप विजिलेंट रहिए, क्योंकि ये किसी टाइम पे सिचुएशन जो है बहुत खराब हो सकती है। क्योंकि जब आप देखें ना कि एक पहले ही हम पाकिस्तान वाले, हमारी इकोनॉमी जो बिल्कुल तबाह हो चुकी है, पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्सी के हो चुका है, बैंकरप्सी हो चुकी है, और क्योंकि हमारे साथ तो झूठ बोला जा रहा है, हमें कोई इस किस्म की खबरें नहीं दी जा रही, लेकिन इन रियलिटी में आप देख लीजिए कि डॉलर किधर गया है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई जो है वो इतनी टॉप पे है कि गरीबों को एक वक्त की रोटी खाना भी नसीब नहीं है। लोग मजबूर हैं कि वो क्या कहते हैं, भूखे काटने के, रोजे रखने के। हकीकत बात है कि इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो दुश्मन याद रखिएगा कि इस सिचुएशन से फायदा उठाता है। इसको याद रखिएगा, इस चीज को जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है कि दुबई के अंदर जो मीटिंग हुई है उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी और टीटीपी के जो हजरात थे, इनसे इंडियन रॉ के लोग मिले हैं और उन्होंने बाकायदा इस चीज में उनको असिस्ट करने की पेशकश भी की है। इंडिया ने कुछ टीटीपी को फंडिंग की है, प्लस कुछ फंडिंग पाकिस्तान के अंदर से ही पॉलिटिकली भी उनको दी गई है। लिहाजा ये याद रखिएगा कि आपको मैं गाहे बगाहे पहले भी कहता रहा हूं कि जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं उनको छोड़ा ही इस वजह से गया है कि उनको हम अपने मकासद के लिए, गनौने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अब देखिए, आप पूरी दुनिया की जो टेररिस्ट लिस्ट है उसके अंदर आप निकाल के देख लीजिए, आज भी जो टीटीपी है वो टेररिस्ट के टॉप लिस्ट पे है। अब बात यह है कि जब एक टेररिस्ट लिस्ट पे जो लोग थे उनको क्यों छोड़ा गया और उसमें जो छोड़ने वाले हैं उनको भी कटहरे में लाना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना तो लॉ प्रिवेल कर रहा है और ना ही हमारे यहाँ को गवर्नमेंट प्रवेल कर रही है। इस वक्त हकीकत है कि दुनिया का जो वर्स्ट तरीन ममालिक है उससे भी हम नीचे जा चुके हैं, उसकी वजह सिर्फ है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड करप्शन एंड क्रिमिनलिटी।
अब बात यह है कि वो जो पहले भी करप्ट थे, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, जो इस चीज के जवाबदेह हैं, अब मजीद वो साथ मिलके इस पाकिस्तान को मजीद तबाह बर्बाद करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान के टुकड़े करने में आसानी हो सके। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक कौम हो जाइए काइंडली। आप, मैं फिर कहता हूं कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर बचाइए, आप अपना फ्यूचर बचाइए, इस पाकिस्तान को बचाइए। ये याद रखिएगा कि अगर ये पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाकिस्तान हमारी पहचान है। इस पहचान हट गई तो हमें हकीकत बात यह है कि हम दर दर से ठोकरें खाएंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा। और बाकायदा पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, नौजबिल्ला मेरे मुंह में खाक, अगर पाकिस्तान टूट गया तो हमसे वो भी बदले लिए जाएंगे कि ये वही पाकिस्तानी है जिन्होंने इसको इंडिया से अलग करवाया था। और ये जो इंडियन रा टेररिस्ट है या RSS टेररिस्ट है, मोदी सरकार इस वक्त भी वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी है फॉर लाइफ। तो इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं और उनको हमने अपने कब्जे में लेने हैं। अब इनका एक दाढ़ी वाला है, वो अक्सर पता नहीं हिकमत करता है, वो गौ मूत्रम जो है वो अक्सर उसको इस्तेमाल करता है और उसके दिमाग के अंदर स्वाय मूत्र के अलावा कुछ नहीं है। ये वो लोग हैं जो एक हकीकत में ना तो इनको हिंदुइज्म का पता है, ना इनको किसी और चीज का पता है, इनको सिर्फ इतना पता है कि फनेटिकिज्म कैसे करनी है, टेररिज्म कैसे करनी है। लेकिन अब हमने इससे कैसे निकलना है, ये मेरे पाकिस्तानियों, हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट की जरूरत है, हमें इतिहाद की जरूरत है। आप अपने पाकिस्तान के अंदर देखिए कि जो आप में तफरका फैला रहा है, जो आपको अलग अलग कर रहा है, आपको मजहबी बिना पे, फिरकों की बिना पे, या कौमियत की बिना पे, या सिंध, यानी कि जो सिंध कार्ड खेला जा रहा है, या बलूची कार्ड, या पंजाबी कार्ड, या कोई भी कार्ड, इन तमाम लोगों को आपको रद्द करना होगा, तब जाके आप पाकिस्तान को बचा सकते हो। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने सिर्फ इस वीलॉग के अंदर आपको यही बताना था कि बी केयरफुल, बी विजिलेंट, इतिहाद आपस में पैदा कीजिए, भाईचारा पैदा कीजिए। चाहे आप किसी भी पार्टी को, यार आप कर रहे हो, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हो, पार्टी को आप पसंद करते हो, उसमें आपका हक है, लेकिन खुदा के लिए एक कौम बन के इस पाकिस्तान को बचाना भी आपका हक है। इस एक कौम बन के जो पाकिस्तान के इनस्टेबिलिटी आई हुई है पॉलिटिकल, वो उसको भी बचाना आपका हक है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली डूब चुका है, उसे निकालना भी अभी आपका ही हक है। और आपको इन गद्दारों का, चोरों का, डाकुओं का मुकाबला करना होगा जो आपके पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में अरसा दराज से गद्दारी करते आ रहे हैं, जो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, या अमेरिकन CIA के साथ मिले हुए हैं, या MI6 के साथ मिले हुए हैं। इन लोगों से याद रखिएगा, आपको केयरफुल होना होगा। खुदा के लिए आप अपनी तरफ खुद भी सोचिए, अपना खुद ठंडे दिल से सोचिए, आप किसी भी पार्टी से ना, ठंडे दिल से सोचिए कि आपके लिए अभी तक इन लोगों ने किया क्या है। बिरयानी के प्लेट खिला के आपसे वोट लिया है, या आपको नारे लगवाए गए हैं, तो लिहाजा इन चीजों से आप मुबर्रा होइए, अपने बच्चों का फ्यूचर सोचिए। इस पाकिस्तान को बचाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम मिलके एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट लेके आए, ताकि पाकिस्तान को हम किसी ट्रैक पे लेके जा सकें, इसको तरक्की की गहों पे ले जा सकें, और ये जो टेररिस्ट मोदी सरकार है, ये इस किस्म के काम ना कर सके। अभी इसी वीडियो के अंदर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यूनाइटेड नेशंस टू टेक स्टर्न एक्शंस अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट विच प्रेजेंटली इज मेकिंग प्लान टू ऑर्गेनाइज द टेररिज्म इन साइड पाकिस्तान, एंड इन दैट रिगार्ड ऑलरेडी पाकिस्तान इज द विक्टिम ऑफ टेररिज्म ऑफ इंडिया, एंड नाउ दे आर प्लानिंग मोर टू डिस्टेबलाइज and divide the Pakistan. It will be very, very, bad condition can occur because Pakistan also a nuclear power, and the last resort is the same, to save the Pakistan. So it is my humble request to immediately jump into the matter and take the necessary actions to safeguard Pakistan. I will be grateful for everyone to take precautions. Pak Army Zindabad, Pakistan Indabad. Assalamu alaikum.